साथियों, रमन शांडिल्य का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग लियर के एक्ट वन सीन फोर का भावानुवाद, जिसे लिखा है डॉक्टर सतीश आर्य ने। किंग लियर के संवाद से पहले आइए जान लेते हैं इन संवादों की पृष्ठभूमि। ये दोनों संवाद किंग लियर द्वारा बोले गए हैं, जो कि उसके टूटे हृदय की चित्कार हैं। खुशामद पसंद लियर ने अपनी सरल हृदय पुत्री कार्डिलिए को बेदखल करते हुए अपना विशाल राज्य अपनी दो बड़ी बेटियों गोनेरिल तथा रेगन में विभाजित कर दिया। वह वृद्धावस्था में आराम से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था। अपना आधा समय बड़ी बेटी गोनेरिल के साथ तथा आधा रेगन के साथ रहने की शर्त लगाई थी, और साथ में यह शर्त भी कि उसकी सेवा में उसके 100 सेवक भी उसके साथ रहेंगे। किंतु कुछ समय उपरांत ही गोनेरिल और उसके पति ऑल्बनी ने अपने असली रंग दिखाने आरंभ कर दिए। विशेष तौर पर गोनेरिल ने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार आरंभ कर दिया और उसके दरबारियों की संख्या कम कर दी। लियर अपनी बेटी के बदले हुए व्यवहार से इतना उद्वेलित हुआ कि अब उसके होठों से आशीर्वचनों की बजाय बद्दुआ तथा श्राप ही निकल रहे हैं। ये श्राप ऐसे बदनसीब पिता के दिल से निकल रहे हैं जिसके अपने बच्चे ही उसकी सेवा तथा देखरेख करने की बजाय उसे अपमानित करके प्रसन्न होते हैं। उसे लगता है कि सारा स्नेह सारा प्रेम व्यर्थ गया। संवाद के प्रथम भाग में वह गोनेरिल को बांझ होने की बद्दुआ देता है, जो कि किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ी गाली है। एक प्रकार से लियर की यह मनोदशा हर ऐसे माता पिता की मनोदशा का प्रतीक है जिनके बच्चे स्वार्थ पूर्ति के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस प्रकार यह संवाद सार्वभौमिक तथा सर्वकालिक महत्व के हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं लियर का पहला संवाद। हे स्वर्ग के देवी देवताओं, सुनो, यदि तुम इस औरत को गर्भवती होने का आशीष देने वाले थे तो रुको, इसके गर्भ को रेत से भर दो, बंजर बना दो इसे, सुखा दो इसके गर्भाशय को। इसके गंदे शरीर को मां होने का सम्मान कभी ना मिले, और यदि तुम दे ही देते हो बच्चे की सौगात इसे, तो वह इतना सताए, इतना कष्ट दे इस दुष्टा को कि भरी जवानी में इसका माथा भर जाए झुरियों से, आंसुओं की धार न टूटे इसकी आंखों से, इसके गालों पर आंसुओं के नाले खुद जाएं, इसके मां होने के सब सुख बदल जाएं दर्द और पीड़ा में, लोग थू थू करें इस पर, तभी पता लगेगा कि सांप के दांत से भी पैनी और जहरीली होती हैं कृतघ्न संतानें। किंग लियर का दूसरा संवाद। लियर गोनेरियल को कहता है, मैं बताता हूं तुझे, कसम है मुझे जिंदगी की और मौत की भी, मैं शर्मिंदा हूं कि मेरी मर्दानगी को झिंझोड़ा है तूने। ये मेरे घर मासू भय है मेरी आंखों से तेरे कारण, सत्यानाश हो तेरा, ओले गिरे तुझ पर, बिजली गिरे तुझ पर, एक पिता की बेशुमार बद्दुआएं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें, तेरे हर पोर को चीर कर रख दें। ओ मेरी बूढ़ी आंखों, अब अगर एक भी और आंसू भाया इस दुष्टा के लिए तो फोड़ कर रख दूंगा तुम्हें, ताकि तुम जमीन पर पड़ी गंदगी को भिगो सको। और हां, ऐसा ही हो, एक और बेटी है मेरी, विश्वास है मुझे, मुझे विश्वास है, उस पर प्यार करती है मुझे, ध्यान रखेगी वह मेरा, पता लगेगा उसे कि जब यह हाल किया है तूने मेरा, तो तुम्हारे भेड़िए जैसे चेहरे को नोच लेगी वह। विश्वास करो, वह सारी ताकत जो तुम सोचती हो गंवा दी है मैंने, फिर हासिल करूंगा मैं, वादा है यह मेरा। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कविता।